एकदम लेटेस्ट प्रोजेक्टर युवा प्लस ए यानी कि युवा प्लस का एंड्रॉइड वर्जन और इसका दाम वो है ना जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है फोन की स्क्रीन तो हर कोई कास्ट कर सकता है यहाँ पे प्रोजेक्टर की स्क्रीन को मोबाइल पे कास्ट कर सकते हो यानी कि मोबाइल को इसका रिमोट कंट्रोल बना सकते हो एच डी एम भी मिल रहा है इस दाम में बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्यूँकी अगर आपको ये प्रोजेक्टर लेना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है इन्फॉर्मेशन वाला 15 परसेंट हायर कॉन्ट्रास्ट बारह परसेंट लार्जर एलसीडी और 22 परसेंट ज्यादा ब्राइट है ये और लोग कहते हैं मैं दाम नहीं बताता वीडियो में बताता हूँ आप सुनते नहीं है शायद एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है तो ओटीटी एप्स का मजा इस पे आप ले पाएंगे इसका जो बेसिक वर्जन आता है वो है आठ का और ये एंड्रॉइड वाला मिलेगा बारह हजार का और एंड्रॉइड वाले में आपको जो है डिजिटल की स्टोन करेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है प्लस माइनस पंद्रह डिग्री और फोन से चलेगा फोन की स्क्रीन कास्ट हो जाएगी सब बताने वाला हूँ वीडियो में एक साल की वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट पे और इसे खरीदने का लिंक ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको चेक जरूर करना तो सब कुछ बताने वाले हैं पहले पैकेजिंग बताते हैं इस तरह की पैकेजिंग में मिलता है और बॉक्स के अंदर में आपको क्या मिलता है वो दिखाता हूँ बॉक्स में मिलेगा आपको ये वाला प्रोजेक्टर सुंदर सा साथ में एच की केबल पावर केबल बिजली में लगा के इसी से चालू होगा वारंटी कार्ड सारी इन्फॉर्मेशन इस पर लिखी है और ये क्यू कोड स्कैन करेंगे तो फोन पे डाउनलोड हो जाएगी इसकी यूजर मैनुअल बाकी मिलता है रिमोट कंट्रोल और बैटरीज भी साथ ही में मिलती है और इस चैनल पे वीडियो देखने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि जो स्पेक्स कंपनी नहीं बताती जो पता ही नहीं होता मैं वो भी मैं ढूंढ निकालता हूँ और वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ प्रोजेक्टर पे लेंस पर नहीं दे रखी है स्लाइडर डोर दे रखा है ऐसे स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं इसको उसके अलावा यहाँ पे हीट सिंह मिल जाएगी और उसके ऊपर मिल जाएंगे आपको ढेर सारे पोर्ट्स मेंशन नहीं था कि इसमें एसडीएमआईआरसी है मैंने ढूंढ लिया कैसे एनेबल करना है वो बताऊंगा पोर्ट्स की बात करते हैं ऑडियो का पोर्ट है एवी का पोर्ट है यूएसबी के दो पोर्ट है और एच के दो पोर्ट देखने को मिलते हैं उसके नीचे लगी है हीट सिंक पीछे लगा हुआ है पांच वाट का स्पीकर और उसी के ठीक बगल में लगा हुआ है इसका आई सेंसर और साइड में आपको मिलेगा पावर का पोर्ट जो बिजली से कनेक्ट होगी तार मैनुअल फोकस मिलता है यहाँ से फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं दीवार पे पिक्चर क्वालिटी क्लियर हो जाएगी उसके पीछे मिलता है कीस्टोन की नॉब की और कीस्टोन रिमोट से भी एडजस्ट कर सकते हैं इसका ये दे रखा डस्ट फिल्टर लोगों का प्रोजेक्टर डस्ट से ही खराब होता है तो डस्ट से बचाने के लिए ये वाला जो फिल्टर है इसको निकाल के हफ्ते दस दिन में साफ कर लो ज्यादा गंदगी है एरिया में रोज साफ कर लेना बाकी नीचे रबड़ के ग्रिप दे रखी है इसको टेबल पे रखेंगे तो हिलेगा नहीं ये एक स्क्रू रखा है है थोड़ी सी हाइट इसकी एलिवेट करनी है, उसके काम आएगा और ट्राईपोट पे भी इसको माउंट कर सकते हैं सीलिंग पे भी इसको माउंट कर पाएंगे बाकी इसमें फंक्शनल बटन भी दे रखे हैं प्रोजेक्टर के ऊपर ही रिमोट से नहीं यूज करना यहाँ से भी यूज कर सकते हो और मैंने बताया ना मोबाइल को भी इसका रिमोट बना सकते हो वो कैसे आगे बताऊंगा पहले कंपनी ने जो स्पेक्स बताई है ना उसकी बात कर लेते हैं फुल एच डी प्रोजेक्टर है ये 490 नाइनटी एनसी ल्यूमेंस है इसमें आप लोग पूछते हैं ना एनसी ल्यूमेंस कितने तो हम एनसी ल्यूमेंस की ही बात करने वाले फोर नाइनटी एनसी ल्यूमेंस काफी ब्राइट होता है प्रोजेक्टर बहुत तरह के आते हैं और हम बात करेंगे दाम के हिसाब से इसका दाम है बारह हजार वाले का बिना एंड्रॉइड के भी आता है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है खरीदना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है यह बना सकता है ढाई इंच की स्क्रीन पर उतना मैं आपको बोलूंगा मत बनाना क्योंकि इंच की स्क्रीन पे कॉर्नर ब्लर हो जाएंगे सौ से सवा सौ इंच की स्क्रीन बनाएंगे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलेगी आगे टेस्ट करेंगे इसमें डिजिटल की सोन मिल जाता है इसमें फोर पॉइंट का कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करें तो ये जो एंड्रॉइड वाला है ना इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिलेगा फाइव थाउजेंड इस टू वन इसमें लगा हुआ है एल डिस्प्ले यानी कि लो टेम्परेचर पॉलीसिलिकॉन एलसीडी इसमें लगी हुई है और LTPS में आपको जो है ना पिक्चर क्वालिटी बढ़िया मिलती है अभी एंड्रॉइड है तो इसमें मिलता है एंड्रॉइड का वर्जन 9। प्रोजेक्टर्स में एंड्रॉइड 9 मिलता है कई प्रोजेक्टर्स में आजकल एंड्रॉइड के वर्जन अपग्रेडेड भी आने लग गए हैं इसमें आपको मिलेगा एक जीबी की रैम और आठ जीबी की रोम प्राइस के हिसाब से ठीक है लैग कैसा करता है या फिर नहीं करता कैसा परफॉर्मेंस है वो तो हम आगे जानेंगे ही ब्लूटूथ भी है इसके अंदर में तो ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ का वर्जन है फाइव पॉइंट ओ तो लैग नहीं मिलने वाला ब्लूटूथ स्पीकर में हेडफोन्स इोन्स भी कनेक्ट कर पाओगे इसमें आप पांच वार्ड का एक स्पीकर लगा हुआ है उसकी क्वालिटी भी आगे हम चेक करने वाले हैं वाई इसमें आपको सिंगल बैंड मिलेगा यानी कि सिर्फ टू पॉइंट वाला बाकी इसमें लगा हुआ है कॉर्ड कोर सीपीयू माली का जीपीयू प्रोजेक्टर का इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ प्रोजेक्टर के अंदर कुछ इनबिल्ट ऐप मिल जाएगी यूट्यूब प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स वगैरह मिल जाएगा ऑफिस सूट प्रेजेंटेशन वगैरह के काम आ जाएगा इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ये मैक्स हब शेयर करके ऐप है ये ऐप आप प्रोजेक्टर में खोलना और यही ऐप आप फोन में डाउनलोड कर लेना फोन में जब आप ये वाली ऐप डाउनलोड करोगे तो फोन में नीचे कोड लिखा हुआ है वहां पे कोड पे क्लिक करना एक कोड आपके प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आएगा उस कोड को इस पे डालना प्रोजेक्टर की स्क्रीन फोन पे कास्ट हो जाएगी मतलब मोबाइल की स्क्रीन तो आप प्रोजेक्टर पे कास्ट करते हो ना यहां उल्टा होने वाला है इसका मतलब आपका जो मोबाइल फोन है वो रिमोट का, का काम करेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है बट रिमोट की जरूरत अगर आपको नहीं है मतलब रिमोट इधर उधर हो जाता है तो फोन को एज अ रिमोट यूज कर सकते हैं बाकी फोन की स्क्रीन कास्ट करनी हो वो भी कर सकते हैं फोन से वीडियोज प्ले करोगे हल्का सा लैग देखने को मिलेगा लेकिन कास्ट वाला काम डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए फोटोज के लिए सही हो जाएगा सेटिंग्स की बात करूं ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे प्रोजेक्शन की सेटिंग में जाके जो आप कीस्टोन को रिमोट से भी एडजस्ट कर सकते हो

प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ये प्रोजेक्टर और इसमें ना यहाँ पे इस फैन की साउंड भी जो है ना वो ज्यादा सुनाई नहीं देती और अब ठंड का समय आ चुका है तो ओवर हीटिंग के यहाँ पे देखने को नहीं मिले ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात करूं पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे जो है प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाती है और जरूरी नहीं है कि कोई प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाने की आपको जरूरत है आप नॉर्मल व्हाइट वॉल पे इसको प्रोजेक्ट करो जैसे मैंने कर रखा है अंधेरे में अंधेरा होना चाहिए मतलब रूम के अंदर में इस तरह की क्वालिटी मिलेगी ये वाला सैंपल मैं प्ले कर रहा हूं हमारा पेनड्राइव से तो पेन ड्राइव से भी फुल एस डी काफी बढ़िया यहां पे प्ले हो जाते हैं आप बोलोगे कि अगर हमें टी प्ले करना है तो इसके अंदर जो इनबिल्ड ऐप दे रखी है उससे अगर आप ओटीटी प्ले करोगे तो फुल एस में प्ले हो, नहीं होगा उसके लिए आपको एक्सटर्नल कोई डिवाइस यहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा लेकिन यहां पे मैं फुल एस डी पेन ड्राइव से प्ले कर रहा हूं और इस तरह की वीडियो क्वालिटी जो है आपको देखने को मिलने वाली है 100 से सवा इंच की स्क्रीन आप प्रोजेक्ट करो कॉर्नर ब्लर का इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा और हल्का फुल्का अगर कॉन्डर ब्लर होता है तो आप फोर पॉइंट जो इसमें की स्टोन दे रखा है उसको करेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं सवा सौ इंच से ऊपर अगर आप जाएंगे तो कॉन्डर ब्लर का इश्यू अब फिर आपको देखने को मिल सकता है अब यार एक दिक्कत वाली बात है वो दिक्कत वाली बात प्रोजेक्टर में नहीं है वो ये है कि आप लोग जो वीडियोस देखते हैं बहुत सारे लोग तो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं लेकिन यार कुछ वीडियोस आप देख ही नहीं रहे मैं इतने बढ़िया वीडियोस लेके आ रहा हूं सौ सौ रुपए के, के गैजेट्स भी दिखा रहा हूं मैं मेरी गैजेट्स की सीरीज चालू है और यहाँ पे इस प्रोजेक्टर पे अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो मैंने पिछला गैजेट का डाला है सौ रुपए का गैजेट है साथ ही में आप इस प्रोजेक्टर की साउंड क्वालिटी भी सुन लेना पांच वाट का स्पीकर है कैसा परफॉर्म करता है वो देख लो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर देना ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन को मिले और आप अलग अलग तरह के गैजेट्स का मजा ले पाए ये मल्टी फंक्शनल की चेन वाली टॉर्च लाइट तो देखते हैं बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलता है तो मैं यहाँ बॉक्स को ओपन कर देता हूं सबसे पहले मिल रही है यूजर मैनुअल और एक सी वाली केबल डेढ़ सौ में टाइपसी केबल पांच वाट का स्पीकर है सैंपल मैंने आपको सुना दिया अगर आपको बड़े स्पीकर कनेक्ट करने हैं तो थ्री पॉइंट एम से कर सकते हैं बाकी ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं एच डी एम की कहानी बताता हूं मैंने इस इसे किया अपना एंड्रॉइड टीवी बॉक्स कनेक्ट और मेन्यू का बटन दबाया मैंने और ये सारे ऑप्शन देखने को मिल गए यहां पे अब अगर मैं एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करता हूं क्योंकि इसमें दो है एच डी के पोर्ट है तो मैं यहाँ पे साउंड को भी कस्टमाइज कर सकता हूं लेकिन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन मिलेंगे साउंड कस्टमाइजेशन मिल जाएगा एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि मैं हमें एंड्रॉइड टीवी बॉक्स कनेक्ट किया है

तो देखा भाई साहब ये सारी चीजें जो है मेंशन नहीं थी इसके डिस्क्रिप्शन में यानी कि प्रोडक्ट पेज पे लेकिन ये हमने तो ढूंढ निकाली ना इसीलिए कहते हैं हमारे वीडियो देखने का आपको फायदा होगा अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस कैसा है प्रोजेक्टर के साथ में प्रोजेक्टर नो डाउट काफी अच्छा काम कर रहा है बिना एंड्रॉड वाला आपने लेना है नौ का पड़ेगा आठ का ये वाला लेना है एंड्रॉइड का नया वर्जन जो आया है तो ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ब्लूटूथ का आपको जो वर्जन है फाइव मिलेगा लेकिन वाई आपको सिर्फ सिंगल ब्रांड ही देखने को मिलेगा और होता क्या है ना एक डिजाइन के बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं मैं जो दिखा रहा हूँ भाई अगर आपको यही चीज है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप वहां से इसको चेकआउट करो और फिर मैं इस तरह के वीडियोस भी आप लोगों के लिए और लाता रहूंगा ओवरऑल प्रोजेक्टर काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से अब मैं ब्राइटनेस में शिकायत कर नहीं सकता प्राइस पॉइंट के हिसाब से ब्राइटनेस काफी जो है बढ़िया है रूम आपका डार्क होना चाहिए फुल एस प्रोजेक्टर है लेकिन अगर आपको फुल एस डी देखना है तो आपको एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करनी पड़ेगी लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से युवा मैंने आपको पहले भी बताया था युवा एक काफी अच्छा प्रोजेक्टर था उसके बाद में युवा प्लस आया वो भी मैंने आपको दिखाया है वीडियो मेरे चैनल पर है काफी बढ़िया प्रोजेक्टर है और इसी प्रोजेक्टर में अब ये अपग्रेडेड वर्जन आया है पहले युवा प्लस जो आया था ना उसमें डस्ट के इशू थे तो उसको भी रिजोल्व कर दिया गया है और युवा प्लस में अब आपको एंड्रॉइड भी देखने को मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो अगले वीडियो में मैं कुछ और गैजेट्स दिखा रहा हूं इस तरह के वीडियोस भी आते रहेंगे अलग-अलग गैजेट्स को भी मैं कवर कर रहा हूं सस्ते महंगे हर तरह के कुछ-कुछ नया-नया आपको देखने को मिलता रहेगा बीआर टेक फिल्म्स पे वीडियो को लाइक करना कोई सवाल है तो कमेंट करना अगले वीडियो में मिलता हूं कुछ और नई चीजों के साथ में